अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। वो अबू पूछ कर आएंगे आज इनके क्या कि कितने पैसे हमजा कर ले आया था। अगर उन्होंने कहा तो इसके हाथ और जबान कट जाएगी खत्म। नहीं, वो चीज कौन बेचते हैं? जाहरी बात है, जो चोरी करता है ना उसके तो हाथ और जबान कट जाती आप है। पूछ लेना। हाँ, वो तो मैं पूछूंगी। पैसे वैसे नहीं चुराए, पर्स तो अपने साथ लेकर गए थे। चलो पता लग जाएगा। हाँ, अभी लग जाएगा। हाँ, पता तो लगना ही लगना है। को ये उमना, आपने वर्दी नहीं पहनी और बैग पहले पहन लिया है। चलो उठो जल्दी उमना, चलो जल्दी तैयारी करो। मम्मा, मैं नहीं पानी उमना को तैयारी। शुएब उठो यार, मेरे को एक तो ये दसो बिल चाहते हुए अपना बारह थी। से उठो उठो यार, चंगा मेरे टाइम थी गया, तैयारी करो उठो। वर्दी स्टेडियम में मेरे को लगता है मैं लाइट को नहीं यार, आज लाइट फुल कोई नहीं आउ थे खने के नहीं दे ये बल्ब नहीं बंद है। ए आदन थोड़ी लाइट किंदे ने ज्यादा किंदे ने लाइट, ए लाइट ज्यादा किंदे बल्दे ही कोनी पे। ए घट गया। अट शुएब की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हम चलते हैं जिनकी यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं। ये अब सो के उठ चुके हैं। ए हानी का एक साइड पे दुपट्टा रह गया, वो कर दे। हानी आप शूज पहनो। साले भी अब बाकी कपड़े जो ना वो साले इस्त्री कर रही है। मैं अब इनका नाश्ता बना लेती हूँ और आज मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। मोबाइल बता दो। इनफिनिक्स का इनफिनिक्स ही चार्जर लगेगा। तो यहाँ पे कौन ये दूसरे हैं? बाबा कह रहे ले आऊंगा। चले जी, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते के लिए हर चीज आई पड़ी है, ये देखें आई हुई है। इंशाल्लाह अगले संडे को ना हम अपने ही किचन में बनाएंगे नाश्ता। जान छूट जाएगी यहाँ से। हम बैठ के नाश्ता बनाने, आज तबीयत अपसेट है, नींद आ रही है। पता कि रात सही सोई हूँ, मतलब इतनी ज्यादा ना लेट सोए हैं। नॉर्मल है। पता नहीं क्यों अजीब सी सर्दी भी बहुत हो गई है। आज सर्दी हुई भी है, मेरा दिल कर रहा है, सुबह दिल ही नहीं कर रहा था उठने को। बस बच्चे एक ऐसी मजबूरी है ना, उठना ही पड़ता है, औरत रेस्ट नहीं कर सकती ना। वैसे अम्मा बाप तो आप मुझे दो बार उठाना है, मैं पहले उठा रहती हूँ पहली आवाज में। आज मुझे भी कुछ ऐसा कोई नींद बस बहुत नींद आई आज तो। ये ज्यादा मोबाइल ना कवर नहीं करता, ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट फर्स्ट पराठा जो पहले पहले कौन खाएगा? तू आ गई हूँ। तू का और हानी ठीक नहीं हमारी, आप लोग दुआ कर किया करो। चलो स्किप कर दो। वो मैं जो है वो रेडी हो चुकी हूँ, घर के मुकम्मल काम भी हो चुके हैं। जैसे वैसे डाल रहे, रिक्शा आने वाला है तो मैं चलती हूँ जी पढ़ाने। टाइम वैसे सुबह का ही हो रहा है, आज जुम्मा है ना, तो जुम्मे वाले दिन थोड़ा जल्दी जाया करती हूँ। वैसे भी एक दो जगह काम है, एक ब्राइडल है, उनको मेहंदी लगानी है, उनका मेरे पास पैकेज है तो वो भी करना है डील। उसके बाद जो है पढ़ाने जाऊँगी। तो सुबह हम जा रहे हैं जी अपने पढ़ाइयों की तरफ। वहाँ जाकर कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी। नन्हे मुन्ने स्टूडेंट जिनका दस्तरखान लगा हुआ है, मेहमान कौन है? हाथ खड़ा करो, मेहमान कौन है? वाह जी वाह, ओए आप भी मेहमान हो,
ये देखें जी, ये इनके कजन एक दूसरे के साथ आए हुए और ये इनका छोटा सा प्यारा सा दस्तरखान सजा हुआ है। चलो ठीक है नीचे कर दो। चल ये छोटू, ठीक है जल्दी से पढ़ने आ जाओ। शाबाश। ये मैं आई हूँ, मुझे कहते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठ जाए वहाँ दस्तरखान पे। ये मेरे साथ बड़ा प्यार करता है ना। सो आ चुके हैं हम घर की तरफ। शाम हो रही है, मगरिब का टाइम हो रहा है और ये देखें जी हमारी मिट्टी भी आ चुकी है और ईंटे भी आ चुकी हैं। तो अभी और भी सामान जो है वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। दूध हमारा अब कम पड़ जाता है क्योंकि वो आए हर वक्त चाय वगैरह बनती है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा दूध हमें लेना पड़ता है। अच्छा अभी भी जो आएंगे मिट्टी डालने तो उनको भी चाय पिलानी है। अच्छा चलो यार, रास्ता बंद थी ना बेजी में, रास्ता बंद थी ना बेगुन। हम तो चलते हैं जी घर की तरफ। क्या है एक तो मैं संडे वाले दिन मशीन लगाती होती हूँ, अक्सर हफ्ते वाले दिन लगाती होती हूँ, तो मशीन भी लगा ही लेती हूँ। कपड़े कहीं डाल लेंगे, कई जगह में मिल ही जाएगी। तो सामान सारा जो है वो शुएब कह रहे हैं निकालो यहाँ से, इकट्ठा करो। मिस्त्री लग रहे हैं और घर बनने की खुशी में जो है नाचा जा रहा है। अब ये नहीं पता कि आगे थकना कितना है हम लोगों ने। खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि हमारा घर जो है वो फाइनल हो रहा है। इसलिए बाप बेटा और बेटियाँ जो हैं वो सारे ही डांस कर रहे थे। अब इनके एक दो फ्रेंड और साथ में जो है कुछ मिस्त्री हैं जो मतलब इलेक्ट्रिक का सामान जैसे एसी वगैरह उतारना है, तो वो आए हुए। ये सारा सामान जो है यहीं रखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं अब किस तरह की सेटिंग होगी। ये दोनों कमरे जो हैं इनकी छतें, ये मतलब सारा ड्राइंग रूम के बराबर होगा, भर्ती होगी। यहाँ एक कमरा और बनेगा और किचन यहाँ सामने बनेगा। इस तरह मतलब ये अभी फ़िलहाल हम ये कमरे ऊंचे करवा रहे हैं, किचन बनवा रहे हैं। अब देखें अगर नसीब में हुआ तो स्टोर बनेगा, नहीं तो अभी ये कुछ और है। सो हमने धोने हैं जी कपड़े, बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही लग चुके हैं। कपड़े धोकर उसी मकान में ले जाएंगे जो हमने लिया घर किराए पर ना। मगरिब हो चुकी है और हम लोग ये कह रहे हैं कि संडे को हम लोग फ्री रहना है। फ्री नहीं रहना, पीने तो आ गई है। हाँ ये देखिए उमना पानी डाल रही है मशीन में, ये देख रहे हैं आप। कपड़े तो वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम तो ये हम धो लेते हैं। बाहर आ चुकी है जी मिट्टी वाली ट्राली, तो वो भी आपको दिखाते हैं। मिट्टी दूसरी आ चुकी है, पहले भी आई हुई, ये आई हुई है वो भर्ती जिसे करते हैं ना, वो उसी लिए आई हुई है। यहाँ जो है बना रहे हैं वही दाल जो कल बनाई थी ना, तो उसको ही पतला किया जा रहा है और साथ में ना थोड़े से चावल उबाल रहे हैं। और भी फ्रिज में छोटी मोटी पड़ी हुई है सब कर रहे हैं। और यहाँ घर जो है वो खाली किया जा रहा है मुकम्मल। अलमारियाँ जो हैं वो देखें खाली हो चुकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मुकम्मल खाली हो चुकी हैं। यहाँ ये वाले ही कपड़े खड़े हुए हैं बस, ये जब ले जाएंगे तो उठा लिया जाएगा काम। तो यहाँ जो है ये देखें कपड़े भी हमने धो लिए और इस रूम को भी तकरीबन हमने खाली कर लिया है। देख रहे हैं
बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, ड्रेसिंग यहाँ से चली गई है, आज की रात बच्चे इधर ही सोएंगे, नेट जो है ये उधर ही चला जाएगा, और फ्रिज भी अभी वो आदमी आया हुआ है वो उठाकर, एक सिर्फ फ्रिज और इस्त्री वाली टेबल इधर ही आएगी, तो सारा घर जो है वो खाली किया जा रहा है। ये देखें, ये भी बच्चों के कपड़े वपड़े जो हैं इधर ही रख लिए थे, इसीलिए ये पहले बनवाई है अलमारी ताकि यहाँ जो है काम हो जाए। आप देख सकते हैं सारा सामान जो है ड्रेसिंग का इधर आ चुका है, मेडिकल स्टोर ऊपर लग चुका है। देखें यहाँ इस्त्री वाली टेबल अभी फिलहाल रख रहे हैं क्योंकि कपड़े इस्त्री करने हैं, और यहाँ फ्रिज रखना है, बाकी जो है सामान हमने रेंट पे घर लिए, बस ऐसे पुराना सही है उधर, और ये सारा अब ये दो कमरे जो हैं ये गिरेंगे, ये दोनों कमरे इनकी छतें जो हैं ये उड़ जाएंगी, ये ऊपर हो जाएंगी और किचन बनेगा, बस अब लगे हुए हैं रात को ही हम दोनों। तो यहाँ जो है वो उतारा जा रहा है जी एसी, आप देख सकते हैं दोनों ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह माफ़ी दे आए थे हस्बैंड चोर ऊपर ना बैठे हूँ, रात का टाइम है और दो ऊपर है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैंने हानी को बोले जाओ वीडियो बना कर आओ। तो यहाँ जो है फ्रिज भी उसी एसी वाले लड़के के साथ ही इन्होंने मिलकर अंदर ही रखवा रहे हैं, तो बस पहले इनका एक दोस्त आया हुआ था छोटी मोटी, वो बेचारा था अभी बीमार, उसके साथ रखवाई है, अब ये लड़का आया हुआ इसके साथ रखवा रही है सारी चीज़ें। तो यहाँ उतारा जा रहा है जी एसी, ये देखें चीज़ें सारी यहाँ से भी कुछ समेटी जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल नेट सेट कर रहे हैं ना, फिर मैंने कहा कि नेट चला दे, अब यही कमरे जो है ना खाली करने हैं, सुबह मिस्त्रियों ने आना है तो कह रहे हैं उनके आने तक कुछ ना कुछ सामान जो है वो उतार दिया जाए, तो नेट जो है ये भी मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम में ही लग रहा है। यहाँ जो है ये देखें फ्रिज छोटा भी इधर ही आ चुका है और बड़ा भी इधर ही आ चुका है, बच्चे जो हैं ये यहीं सो रहे हैं फिलहाल। यहाँ आ चुका है जी टीवी, और कल है जी मैच, सो यहाँ आएगी जी इस्त्री वाली टेबल, तो यहाँ ये टीवी लगेगा। ठीक है, तो ये देखें हमारा शाम का खाना जो है वो आ चुका है, ये बच्चे खा रहे हैं बैठ कर एक ही दफ़ा में, बैठ के खाओ, और उमना जो है वो बेचारी भूखी ही सो चुकी है, देख रहे हैं आप, बस थके हुए थे, जो हाथ में आया है सो बना बनू लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।